केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर सबकी नजर दोनों बड़े राष्ट्रीय दलों बीजेपी व कांग्रेस पर टिकी है, लेकिन अभी तक बीजेपी और कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाए हैं। इसी बीच रिटर्निंग अधिकारी अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि आज पांचवें दिन किसी भी प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया है, जबकि नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है। इसके आगे उन्होंने बताया कि आज पांचवें दिन पांच प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र जरूर प्राप्त किए गए हैं। इसके तहत ही अब तक 11 प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र जमा नहीं कराया गया है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट।